All the way from London, Chahat Fateh Ali Khan. Chahat sahab, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बट सर, बिल्कुल साफ आ रही है जी बट सर आवाज। जी चाहत साहब, कैसे हैं आप? वाह 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 सर, बप्पी लहरी के बाप लग रहे हैं अभी आप। ये आपने बड़ा मजेदार गेटअप किया हुआ है। एक जफी लहरी हो जाए। जफी लहरी। लोग आगे से हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, इन्होंने पीछे से करवाया। चाहत साहब वेलकम टू द शो। नताशा और आप आज हमारे साथ खेलेंगे, थ्रू आउट शो में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले तो चाहत साहब मुझे बताएं कि क्रिकेट का आपको कितना शौक है? सबसे पहले तो मैं आपका और असद साहब का और आपकी पूरी टीम का और समा चैनल की पूरी मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज मुझे मौका दिया। चाहत फतेह अली खान ऑल द वे फ्रॉम लंदन, अस्सलाम वालेकुम जी। जिसका नाम हिट हो रहा है ना, जाली डॉलर पे आपकी फोटो आ जानी। अच्छा, ये बोलते भी अपने गाने की तरह ही? हाँ जी बिल्कुल, तोड़ तोड़ के। क्या बात है यार, बड़ा अच्छा स्टाइल है बोलने का, जैसे मरीज बातें नहीं करता। बेहतर है अब मैं सोने लगाऊं, जाओ। अच्छा चाहत साहब, आपसे सबसे पहले तो पूरा पाकिस्तान ये सवाल पूछना चाहता है कि PSL का एंथम की सुपारी किसने आपको दी थी? ये आप कहां से आपने सोचा कि PSL का एंथम मैं गाऊं? अच्छा, मैं जवाब देने से पहले आपके जितने भी मेहमान आए हैं उन सब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, जो भी बैठे हैं स्टूडियो में। और जी, सात महीने पहले मेरे जहन में आया कि मैं जी लिखना शुरू हो गया हूँ, सदगा भी रहा हूँ, कंपोजिशन भी कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट इस दफा PSL के लिए कुछ लिखा जाए। तो मैंने 4 महीने पहले लिखना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा सा, तो लेकिन फिर अल्लाह खैर रखे मुकम्मल हो गया। फिर माशाल्लाह मैंने जो आखिरी मेरा जिम लेना था कंपोजिशन की, फिर बार बार गारा, ठीक है जी, तो अल्लाह का शुक्र है। वायरल इस तरह हुआ कि वो तो लग रहा था कि फेसबुक वाले आपके सांडू है कोई। खुद बहुत है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगला वर्ल्ड कप आने वाला है, ये वर्ल्ड कप के गाने की आपको किसी ने साही दे दी है? अभी से टारगेट कर लिया कि आपने वर्ल्ड कप का वो गाना करना है? पहले मुझे पहले जब क्वेश्चन किया उसका आंसर देने दें, तो बट सर मैंने पिछले 6 महीने में 6 गाने कर ली थी माशाल्लाह, और 6 महीने तो माशाल्लाह बहुत अच्छे जी गए। लेकिन ये जो PSL, ये जो अपना प्यारा PSL है, ये माशाल्लाह मिलियंस में चला गया, हिट हो गया। अभी तक किसी ने मुझसे रब्ता नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं लिखना शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। नहीं नहीं, PSL वालों की आउटगोइंग कॉल बंद हो गई है। आप लिखे फ्यूचर में आपका नाम हो रहा है चाहत रहमान कमर। और आपको पता है ये वाले गाने का आमद भी इनको उधर हुआ था बाथरूम में। ओ यार, अच्छा यार उधर पानी नहीं आ रहा था, इनको 10 मिनट ज्यादा लग गए, उधर आमद हो गया फिर। बड़ा लिखते हैं भाई। जी जी सर, सर सर PM प्राइम मिनिस्टर आपसे डायरेक्ट मुखातिब होना चाहता है। जी अच्छा, एक अर्ज सी जनाब, वडे पॉइंट भी लंदन ने, तुसी भी लंदन हो, जाके उन्होंने गाना सुनाओ, शायद वापस आ जाए। ऐसे बहाने वापस आ जाए। आ ही नहीं रहे आपका गाना सुन लेके चलो भी उठो चले। नताशा, आपने आपने चाहत साहब का गाना सुना हुआ है? नहीं। अच्छा, तो फिर सच्चाई गाना साहब, चाहत साहब मैं टाइम आपका जरा, क्योंकि छोटा जरा मुझे गाना चाहिए। नताशा हमारे साथ आई हुई है, नताशा अली बहुत बड़ी हमारी अदाकारा भी है, आपने इनकी खूबसूरती पे 2 लाइनें जरा कह दें प्लीज फौरन। अच्छा जी, नताशा की खूबसूरती पे, नताशा की खूबसूरती पे मैं आपको कह देता हूँ, सवा महीने दी नताशा, सवा महीने दी दुनिया इत्थे, सवा महीने दी दुनिया इत्थे, कुछ खा ले पी ले मौज उड़ा, ठीक है। चाहत साहब क्या बात है आपकी, क्या बात है। एक गाना फ्लॉप हो गया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जी जी, एक और जी गाना आ रहा है, ठीक है जी, पंजाबी इसका मैंने रोक के रखे वो गाना, रोक के रखे जरा, जोर से आ रहा है गाना, इनको बड़ी जोर से गाना पेट में फट जाता है। हां बस आ जाते हैं। नहीं नहीं आने। जी जी, वो नताशा कह रही है कि एक मिनट जरा रोक के रखिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है अभी काफी लंबा शो है, हम लोगों ने नताशा के साथ गेम भी खेल लिए है। नताशा सबसे पहले तो आपके साथ लेफ्ट पे कुछ तस्वीर पड़ी हुई है, चाहत साहब भी देख रहे हैं, आपने भी वो तस्वीर हमें दिखानी है, हम आपको हिंट देंगे, आपने वो तस्वीरें गेस करनी है, ठीक है जी। ओके जी, सबसे पहले आपकी पहली तस्वीर दिखाइए। ओ यू करें इसको जरा, ये बात नहीं यू यू यू
ये बात ठीक है। ये वो है कि जिसको देख के कोई भी नहीं रोकता है। ये हर जगह है मगर कोई इसको इसको ओबे ही नहीं करता, हालांकि ये अकलमंद के लिए काफी होता है। ये आप ऐसे समझो कि ये इसके बिल्कुल नीचे 25-30 जनाने फिर रहे होंगे। ये अच्छा हिट दिया, अच्छा हिट दिया भाई। ये ऐसी चीज है जिसको देख के आपको, चीज है या इंसान है? चीज है, चीज है जी। रोकने वाली चीज है, रोकने वाली चीज है, हर एक को रोक देती है। जो माँ बाप की नहीं सुनता वो इसकी सुनेगा? ये इसका आप ये सुनते भी है। आप ये समझो कि ये इसके नीचे आपने ऐसे खड़े होने ते वेपर वाला दौड़ के आएगा। अच्छा ये ऐसी चीज है, सिग्नल सिग्नल सिग्नल, वेरी गुड। इसको तोड़ भी दो तो टूटता नहीं है। अगली अगली तस्वीर, अगली तस्वीर यूं कर लें। अरे वाह 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 वाह। अच्छा चले, पॉलिटिशियन है। मैं बताता हूं जी, ये भी कातिल इकोनॉमी, कातिल इकोनॉमी। लेकिन उनके आस पास ही होते हैं, ग्लासेस पहनते हैं। वेरी गुड। अली खान साहब है यानी मैं बड़ा फिट हूँ और मैं बड़ा, मेरे हाथ बहुत ही हेरी हैं। इनकी वजह से इनका फैसल कुरैशी, हाँ, और परफ्यूम इनका जानी। इजाज़ असलम, ये बात जानी, वेरी गुड। अगला यूं कर ले, सीधी सीधी। ओह क्या बात, समझो कि चीज़ है ये, समझो कि पाकिस्तान में जो मॉर्निंग शो है वो इसका मुर्शिद है। हाँ, इसका मुर्शिद इंसान है या चीज़ है किसी जमाने में, या क्या चीज़ है? इंसान है यार, क्या चीज़ नहीं, अभी भी वही चीज़ है। लड़का है, लड़की है, लड़की है, सोनी है। हमें तो यही पता है, लड़की करीब 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 पहुंची, उससे भी पहले मुजद है, मुजद है। शाइस्ता, आहिस्ता भी पहले, आहिस्ता। नादिया खान, नादिया खान, यार तो सारे पूछ लिए, क्या बात है, हैरान हो गई है नताशा। नहीं, इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो गई उस शो में आके, हम खुद हैरान हैं, मुझे कुछ यकीन नहीं आ रहा। ये बचपन का साथी सामने बैठा, मैं बताता हूँ आप क्यों इतनी इंटेलिजेंट हो गई हैं, ये सब चाहत का कमाल है। वाह वाह वाह, चाहत साहब, चाहत साहब हैं हमारे साथ, भागे कितने आप गेम खेल रहे हैं? चाहत साहब कहीं नहीं, तो नहीं आगे उनको, चाहत साहब नहीं, वो बाथरूम गए, नहीं नहीं इधर ही है चाहत साहब, चाहत साहब आपसे अच्छा। चाहत साहब ये क्रिकेट का सवाल, क्योंकि आप आपने क्रिकेट के लिए गाने गाए, मुझे बताएं कल जो मैच होने जा रहा है फैसलाबाद फैल्कन्स और हैदराबाद ढक्कन्स का, इसमें कौन सी टीम को जितवाने लगे पीएसएल में? फैसलाबाद, फिर से नाम लीजिएगा, फैसलाबाद, फैसलाबाद फैल्कन्स और हैदराबाद ढक्कन्स, इन दोनों में से कौन सी टीम जीतेगी कल? फैसलाबाद जीतेगी जी, जी फैसलाबाद ही जीतेगी। ये इतनी जल्दी फेमस पता क्यों है? क्यों? इधर तक तो मुंह चाहत भाई, चाहत भाई मुझे एक बात बताएं, आपने एक बरादरी है जो के कहती है कि जी आप कातिले मौसीकी हैं, तो क्रिटिसिज्म को आप कैसे फेस करते हैं? सर मैंने 7 साल जी पहले जी म्यूजिक का माशाल्लाह जी ओढ़ना बिछोना जी स्टार्ट किया, तो मैंने 742 शोज किए हैं फेसबुक के ऊपर टू स्टार्ट, तो अब तो माशाल्लाह ट्विटर के ऊपर होते हैं, वैसे जी लाइव भी होते हैं टिकटॉक के ऊपर भी, इंस्टाग्राम के ऊपर भी, तो मैं यूज टू हूँ, जब भी कोई क्रिटिसिज्म होता है तो मैं उनकी इज्जत ही करता हूँ, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, अभी इनके दिल में मेरी जगह थोड़ी सी बनी है लेकिन कुछ महीनों के बाद पूरी बन जाएगी। क्या बात है जी, क्या बात है, आपको खुद ही स्कूटर सवाल है चाहत साहब से, इन्होंने मुझे फेसबुक से अनफ्रेंड क्यों कर दिया? तुम्हारा फेस ठीक नहीं है। तुम्हारी जगह पे अपना क्या नाम है, चाहत भाई, चाहत भाई ये लड़की आपको करेगा फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट और लिखा होगा उमर अकमल, तो उसको यस कर ले। और मैं तो वैसे भी आपको स्कूटर पे फॉलो करता हूँ। अच्छा चाहत भाई ये आपने बात कही थी कि आकिब जावेद को क्रिकेट आपने सिखाई है, तो ये बड़ा बोल बोलने के बाद आपको वालचार हुआ था कि पहले? जी ये बिल्कुल जी दुरुस्त है, जब मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल शेखपुरा का कैप्टन था 2 साल के लिए, क्लास 9th
और जी टेंथ में, तो वो नाइन्थ क्लास में वो अभी जी नए नए आए थे स्कूल में, तो उसके वो अपने अब्बू के साथ अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह दे, तो ट्रायल देने के लिए आए थे। मैं हर साल दो दफ़ा जी स्कूल के जी ट्रायल उधर जी लेता था कि नए नए जी लड़के सामने आए, क्योंकि स्कूल की तादाद तकरीबन 8 से 10 हज़ार उस वक्त जी थी पूरे स्कूल की। तो ऐसे ये भी आए, ठीक है। तो मुझे इनका ये सिर्फ स्टाइल अच्छा लगा कि ये जंप अच्छा लेते थे, हाइट अच्छी थी, लेकिन बॉल इनका कोई भी अंदर नहीं जाता था, वाइट होते थे इतने इतने वाइट। तो फिर लेकिन मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया, हर दिन इन्होंने जी मेहनत की, ठीक है। फिर मेरा और इनका जो नेट था शेखुपुर अजीम खाना का, वो भी जी सेम था। लेकिन पहली दफा स्कूल में इनको मैं जी लेके आया था, उस वक्त ये छठी क्लास में। अच्छा चाँद भाई, ऑब्वियस बात है ये जो आपने बात कही है ये सच्ची होगी, लेकिन ऑब्वियस बात हम लोग इसके ऊपर जरा मतलब रिसर्च भी करेंगे। नहीं, हमें पूरा यकीन है। नताशा के लिए एक गाना आपने डेडिकेट करना है जो कि आपका सुपर डुपर हिट है, जिसने यूके के सारे चार्ट्स तोड़ दिए थे जमीन के ऊपर। उसका नाम है सांसों की माला। वो अगर ये नताशा के लिए सर, ये नताशा है जो यहाँ लड़की बैठी हुई है, ये डेडिकेट मामा केट कर दो जी। ये नताशा, इसको आपने गाना डेडिकेट करना है सांसों की माला, ठीक है। नताशा जी, खास तौर पे आपके लिए, सांसों की माला पे, सांसों की माला पे, माला पे माला पे सांसों की, सांसों की माला पे, माला पे सांसों की, सिमरू मैं सिमरू मैं सिमरू मैं नताशा का नाम।